न्याय मिलता है, उसी प्रकार पुरुषों को भी समान कानून का अधिकार मिलता है। नमस्कार, मैं रेनू करदम और आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। बीके चौक पर शव यात्रा निकाली गई। शहर के कई सामाजिक संस्था के लोग भी शामिल हुए। अमरजीत रंधावा, हरमीत कौर, सुनील, मनोज, परिवेश मालिक, युवा साथी, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर मांग कर रहे हैं। पुरुषों के लिए जैसे महिला आयोग बना हुआ है, पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। हर महिला बेचारी नहीं, हर पुरुष अत्याचारी नहीं। नर हो या नारी, दोनों दंड के अधिकारी। ये कैसा नारी उत्थान ले रही है पुरुषों की जान। स्वागत जिंदगी के लिए मोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उनके ऊपर केस भी हैं और वो निरंतर इसे संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये सभी एकत्र नहीं होते। और संगठन में शक्ति होती है और ये सभी मिलकर मांग कर रहे हैं, उसे बंद कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी कार्रवाई करती है, सबूतों को बाद में देखा जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये सही है गलत है? ये सब गलत है। पहले कानून के रूप को देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही उसे दंड देना चाहिए। कुछ महिलाएं होती हैं जो कि महिलाओं का नाम बदनाम करते हुए पुरुषों पर गलत आरोप लगाती हैं और अपने महिला होने का गलत फायदा उठाती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए यही कहूंगी कि पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके खिलाफ। अरे शोर बचाओ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये पुतले में क्या लिखा हुआ है ये तो समझो, पुतले में लिखा हुआ है समाज विरोध करता है, जेंट्स हो या पुरुष हो, इसलिए ये लिखा हुआ है समाज महिलाओं पुरुष की, हमें पुरुष आयोग चाहिए।